आज खुलेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस के राज। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर सीबीआई सच का पता लगाने के लिए जुटी हुई है। सीबीआई ने आज इकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सियालदह कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद अब कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सीबीआई महिला ट्रेनी डॉक्टर के 4 साथियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट में डॉक्टर्स उंगलेंगे सच्चाई। कोलकाता रेप मर्डर केस के असली सच्चाई सीबीआई की पूछताछ में सामने नहीं आ पा रहा है। जिसकी वजह से सीबीआई संजय रॉय, संदीप घोष और उन 4 डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रही है। सीबीआई का दावा है कि इन 4 डॉक्टर्स ने घटना की रात मृतका के साथ डिनर किया था। सीबीआई को लगता है कि पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे हैं या कुछ छिपा रहे हैं। सीबीआई आखिर कौन से सवाल जानना चाहती है? सवाल नंबर 1, पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सीबीआई जानना चाहती है कि आखिर हत्या की रात क्या बात हुई थी। सवाल नंबर 2, चारों डॉक्टर ने क्या खाना खाया और खाते वक्त उन लोगों की क्या बात हुई थी। सवाल नंबर 3, डिनर करने के बाद पीड़िता कहां गई और वो चारों डॉक्टर कहां गए। सवाल नंबर 4, सब एक दूसरे से उस रात डिनर के बाद कब मिले। 4 डॉक्टरों ने मर्डर वाली रात क्या क्या देखा। उन 4 डॉक्टरों ने ही संजय रॉय के अलावा पीड़िता को उस रात जिंदा देखा था। साथ ही मुख्य आरोपी संजय रॉय ने अपना जुर्म बड़ी आसानी से कबूल कर लिया है। सीबीआई को मुख्य आरोपी संजय रॉय और उसके दिए गए बयानों पर शक है। जिसके कारण सीबीआई उन 4 डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पूरा सच जानना चाहती है। इस केस में सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 7 दिन लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। आरोप है कि आरोपी संजय रॉय संदीप घोष का बाउंसर बनकर घूमता था। सीबीआई संदीप घोष की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली एसयूवी की जांच भी कर चुकी है।